हे व्हाट्स अप गाइस, हम है आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, किसी का भाई किसी की जान से वापस एक ट्रैक आ गया है। मैं तो बोलता हूँ ये कंटिन्यू ना भाई। हाँ, दो दो दिन में डोज देते जा रहे हैं, दो दो तीन दिन में ना भाई, किसी का भाई किसी की जान और सलमान भाई ऐसे डोज देते जा रहे कि भाई ऐसा शॉट है, बिल्कुल भाई है, मैं हूँ इधर। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, लास्ट टाइम इन्होंने बतकम्मा पे बनाया था, जो टॉलीवुड का मतलब तेलंगाना का फेस्टिवल है, वो दिखाया, साउथ का फेस्टिवल है। और इस बार ये इसका भी नाम येंतम्मा, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा, पर मुझे बतकम्मा के बारे में आइडिया था तो मैंने बोला है। और इधर रामचरण भी लिखा है टाइटल में, तो हमको आइडिया है नहीं कि रामचरण भाई आने वाले हैं या क्या है, क्या सीन नहीं, क्योंकि इधर लिखा है नहीं। ठीक है, तो अभी वीडियो पे आते हैं। रामचरण भाई से ज्यादा मेरे को जो विशाल विशाल नाम दिख रहा है ना, विशाल लाडी पसंद है भाई, देखो वो तो अपने फेवरेट है। तो सिंगर ऑफ कोर्स वो सिंगर रहेंगे, रफ्तार भाई भी लिखा है, रफ्तार भाई का भी रैप हो सकता है। तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, सीधा गाने पे आते हैं। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो। बाकी आपका प्यार रहेगा तो ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे और ऐसे ही 1 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। देखो यार, सब्सक्राइब का बटन फ्री में है, लाइक का बटन फ्री में है, दबा दो, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो हमको भी बहुत मजा आता है, काम करने को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलो चलो लगा दे गाने पे। येंतम्मा, किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान, सलमान खान, वेंकटेश, चलो रामचरण। ओके, ये तो लेजेंड है। येंतम्मा येंतम्मा सुर छेड़ दो, चल दादा यार, ओके। ఎవరు ఫోన్ చేసారు? ఆపు ఆపు, ఎయిర్‌ప్లేన్ మోడ్. आप वो जो डायलॉग पे था ना, क्योंकि क्या थोड़ी थोड़ी हमको तेलुगु समझती है, बिल्कुल, तो आप रे आप, तो उसमें मैं बीट गया था, तो बीट को मैं मिस कर गया, ठीक है, थोड़ा सा वापस लगा। नहीं, बीट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बीट लगी मुझे, स्टार्टिंग काफी अच्छी है, सबके कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम बजान दिया था। अभी मैं रुकूंगा नहीं गाइस, थोड़ा सा अभी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, चलो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इस स्टार्टिंग में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक फील दिया, बट है प्रॉपरली साउथ का फील गाने में, यस लिखा है तेलंगाना स्टेट। ఎవరు ఫోన్ చేశారు? ఆపు ఆపు, ఎయిర్‌ప్లేన్ మోడ్. అది వెరీ అయిపోయింది. చమకే డాన్స్ మమ్మా, అప్నే సాంగ్ పే దో చాయ్ పురా ట్రాన్స్ మమ్మా. वापस लगाएगा, वापस लगाता हूँ इसको, एक मैं आपको बात समझा देता हूँ। देखो,
ये जो म्यूजिक अपन सुन रहे हैं ये ऐसा कुछ नया नहीं है, बिल्कुल अभी अपन ने रिसेंट सुना करंट लगा लग लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे और वो गाना कौन सा है? अच्छा वही है क्या? इस बात का है अपना मजा। हाँ बिल्कुल वही वही करंट लगाए शायद, मेरे को भी बहुत ज्यादा वो उस गाने से लग रहा है ये गाना। और अरे और बहुत सारे गाने हैं यार ऐसे सेम इसमें सेम रिदम पैटर्न में, हाँ सेम बीट पैटर्न में। बट एक चीज यार बता सकता हूँ, बट हाँ कंपोजिशन अलग है, ठीक है। अब देखो और एक चीज बोल रहा हूं मैं, जैसे कि विशाल दादलानी पहली बार मैंने मेरे हिसाब से और भी गाया है क्या साउथ वाले गाने भाई ने? विशाल भाई ने गाए होंगे क्योंकि अपन नॉर्मली हिंदी नकासदीस को सुनते हैं। अच्छा वो वाला भी वो किसने गाया था? मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे, ओ नकास भाई थे शायद। हाँ तो नॉर्मली वो विशाल भाई थे, चलो ठीक है जो भी है। तो विशाल भाई का जो सीन है वो तो हर इसमें घुस जाते हैं, आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है, इवन फीमेल वोकल जो आए थे बीच में वो भी बहुत अच्छे मैच कर रहे हैं। बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ वो ये कि अगर ये म्यूजिक मतलब जैसे पायल लिखा है वो गाते भी है तो उनका म्यूजिक भी हो सकता है, तो क्या होता है निशु एक बार देख ही लेता हूं मेरे को म्यूजिक कंपोजर पायल देव। मैं आपको मैं अभी सही पॉइंट पे आने वाला हूँ। और तो ये है कि ये लोग जो है ना लव ट्रैक बहुत अच्छा, जब मैं बादल बन जाऊं ऐसा गाना या दो जो भी लव ट्रैक है, बट ये बहुत सही मैंने लव ट्रैक में भी सिमिलर सुना है, सिमिलर देखा है बिल्कुल। बट मैं अगर एक बात बोलूंगा तो बट इनका तर्ज बहुत अच्छा होता है लव ट्रैक का, लव ट्रैक का। तो ये जो है ना इसमें समझ में आ रहा है कि ये खींचा हुआ गाना है बिल्कुल, जैसे आप समझो इस बात को पायल देव वगैरह जो है ये है लव ट्रैक वाले, और इनको ऐसा गाना करना मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि खींचा गया है गाना, मतलब जबरदस्ती खींचा गया है, जो हमको सुनाई आ रहा है जो हमको समझ में आ रहा है वो बात कर रहे हैं। क्योंकि मुर्कियां वगैरह जो है ना मुर्कियां हो गया ये सब जो चीजें आ रही है ना ये लव ट्रैक मतलब उनके टाइप के कंपोजिशन वाली है, सिर्फ बीट साउथ वाली रखी है, बस यही चेंज है। सिर्फ बीट साउथ की है पर कंपोजिशन उनके टाइप की है बिल्कुल, जो नॉर्मली वैसा रहता है। रफ्तार भाई आए अच्छा लग रहा है, वाइब अच्छा जोड़ा, विशाल भाई को विशाल दादलानी का नाम लेके मतलब वोकल्स लेके और गाने में भर दिया, मतलब वोकल प्रॉपर परफेक्ट वोकल्स लिए हैं बिल्कुल, बिल्कुल गाने के जो गाने में चाहिए। और इवन फीमेल वोकल उन्होंने गाया है तो जो मतलब वो भी वोकल्स भी प्रॉपर मैच किए साउथ के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल, बट कंपोजिशन जो है वो उनके टाइप की है, सिर्फ बीट साउथ की रखी है, वोकल्स काफी अच्छे प्रोसेस किए, मिक्स मास्टर अच्छा लग रहा है। हाँ बट अच्छा अगर नहीं आ रहा है मास्टरिंग में, मास्टर में थोड़ी हाइज होता ना तो टकड़ टकड़ टक डनक इसका और पंच आता था पता है ना, धंक टकड़ 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 धंक जो ततड़ 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 है ना उसका हाइज है ना कहीं गायब कहीं ना कहीं उसका हाइज गायब है अगर तू नोटिस करेगा बिल्कुल बिल्कुल। अभी चलो अभी अपन सिर्फ क्या है मिड्स और लो मिड्स और लोज में ज्यादा ही है, मिड्स और लो मिड्स में खेला जाता है। हमको जो सुनाई आया हमने वो बोला ठीक है ना, अपना काम है रिव्यू देना, अपन रिव्यू दे रहे ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पावर आ रहा है, चलेगा गाना बहुत, ये तो पता ही चल रहा है ठीक है ना। और चलो वापस सुनते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो मजा आ जाएगा ठीक है, और लाइक का बटन भी दबा देना, लगा दे यार सुशांत बिल्कुल, वापस सुनते हैं, मैं वापस सुनता हूँ, वापस सुनते यार वापस सुनते अच्छे से तो, और क्या क्या है अपने को पता चल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। चल लगा रे, पर रामचरण लिखा है भाई आए नहीं अब तक। एक बात बोलू उंटुंदी उंटुंदी नाचेंगे अपनी वही अपनी उठा करके लूंगी हीरो।
कंपोजिशन अच्छा है। रफ्तार भाई ए मम्मा डांस करे हाथ बड़ा दो पूरी जान लगा दो पर अच्छा है सारा भाई से बाइसेप को बुला दो बीट बजी हिट बड़ी नाच मम्मा समर में बजा पूंगी उठा लूंगी बांध मम्मा कमर पे आज समा बना है रुकना मम्मा मना है आज हमा हमा नहीं आज धमा 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 ये सॉरी मैं रोकना चाहता हूँ, ये भाई कर रहे प्रॉपर बड़े काम, क्यों कैसे है प्रॉपर मिलके चल रहे बट मैं भाईजान बोल रहा हूँ कि भाईजान की बात कर रहा हूँ, बट ये जो रामचरण भाई की एंट्री हुई है बहुत सही है, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत थोड़े बहुत सब्सक्राइबर से बचे हैं 1 मिलियन होने के, बिल्कुल। तो जितने भी सलमान भाई के फैंस है, रामचरण भाई के फैंस है और पूजा हेगड़े के फैंस है, जितने भी सब जितने जिनके भी फैंस है ना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को शेयर कर दो, तो सबको जो बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम लोग 1 मिलियन आपके बदौलत आपके प्यार के वजह से जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खुशी हो जाएगी गाइस, प्लीज। क्या बोलता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी और अभी मैं टेक्निकल चीज पे आता हूँ, ये गाना अच्छा है, पावरफुल है, लिरिक्स पावरफुल है, जैसे कि जैसे कास्ट है, समझ रहे हो, वैसे प्रॉपर। हाँ, मतलब मैं एक पर्सनल बोलूंगा तो मतलब ये फ्रेम में ना, बाकी कोई छोड़िए बात नहीं बोलूंगा मैं, तो परफेक्ट कंपोजिशन है, ठीक है, एनर्जेटिक कंपोजिशन है, कंपोजिशन बहुत अच्छा बनाया है, म्यूजिक काफी अच्छा दिया है, हमने जो टेक्निकली बात बोली वो बात तो है, ठीक है ना, दिखा दो तुझे मेरा वाला गाइस। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मैं अभी मैं इतने गाने करता हूँ और इतने काम ऐसे करते आ रहा हूँ, साउथ का अगर गाना बनाना है तो जो वो होती है ना टे 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 वो डाल के ही नहीं होता, या ढंग कटाकड़ तकड़ दगन ढंग यही डाल के नहीं होता है, यही गाना अगर जो अब तक दो गाने रवि बसरूर ने बनाए वही गाना ये बनाते ना, मतलब ये गाना वो बनाते ना, तो फिर आपको पता चलता कि साउथ के ऐसे बीट पे कि अभी देखो मैं आपको लास्ट गाने में बोल चुका हूँ जो बतकम्मा था, बिल्कुल, उसमें उन्होंने इवन किक तक इतनी प्रॉपर रखी है, जो बतकम्मा के इसमें जो ये जो डब बजा रहे हैं ना, वो एक्चुअली धंक तकड़ 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 वो बतकम्मा में बजाते हो, तो इसमें दिखाई है वो, तो इतनी परफेक्टली वो किक यूज की है, सही बात है, बिल्कुल। आप समझो मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत डिटेलिंग में, बहुत डिटेलिंग में वो अरेंज किया गया है, बहुत डिटेलिंग में अरेंज कर, और मैं जब रिव्यू करता हूँ मैं ऐसे ही नहीं बैठता, मैं हर एक जॉनर देखता हूँ और हर एक का मतलब, अब जैसे बतकम्मा का हो गया ये हो गया, तो मेरे को पता है अगर आपको देखना है तो फिर अरे बहुत सारे गाने यार साउथ के, वाटी कमिंग हो गया, उसको देखो टाड़े रड़ाड़ा टाट, उसमें भी डाला है, पर वो पता चल रहा है कि वो साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया, कोई भी देवी श्री प्रसाद का देख लो, एमएम करीम साहब का देख लो, और एक हमारे अनिरुद्ध भाई का देख लो, उनका ही गाना बताया था मैंने पहले, प्रॉपर। और दूसरी बात, अगर आपको देखना है प्रॉपरली अगर साउथ का गाना एग्जैक्ट कैसे रहता है, फिर मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में बोलो इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट में डिटेलिंग रहती है, मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ अभी,
कंपोजिशन भी मैटर करता है साउथ का कंपोजिशन अलग है। कंपोजिशन सही है, कंपोजिशन सही है, पता चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट, सब कुछ सही है। वो कह रहे हैं आप वो गाना सुन ले, टॉपलेस पर टाडा 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 ढिंग टाडा ढिंग ढिंग पम 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 अल्लाह मसलो अम्मा दारे से कद कद रे दे दे से ए भाई दादी हं दडी दिस दादी तक ता त तडी ता ढंग द न न तक द न गद ढंग द न न तक ए ढंग द तक त तक द न गद। तो बहुत डिटेलिंग होती है गाइस अगर साउथ का आपको गाना बनाना है तो। कोई भी देखो रंजीत अमेर सुन लो, रंजीत अमेर रंजीत हाँ उसका अरेंजमेंट अच्छा है, मिक्सिंग मास्टरिंग की बात ना करे तो। अरे बहुत सारे गाने देखो ऐसा तो आ अंटे देख लो पुराने में जा रहे तू ये गाना रन रन नंटू ने सिन्न दो रामलोरी गुड़ी को तो उसमें जो फ्लिप किया है ना राजवागा पिल्ला रे गाज वार गाना ये जामले दामा गाज तरगले दा उसमें भी उन्होंने फिर ढिक ढक ढिक ढक ढक ये हो गया। फिर मैं अभी एक फाइनल बोलने वाला हूँ अपड़ी पोड़े देख लेना जो हमारे लेजेंड के साहब ने गाया है जो अभी नहीं रहे। अरे अपड़ी पोड़े में तो बाप रे बाप क्या ही अरेंजमेंट किया यार गाइस, क्या ही अरेंजमेंट किया वो। हम लोगों ने रिव्यू किया है, आपको देखना है तो देख लो बिल्कुल, क्या ही रिव्यू, अरे क्या ही गाना बनाया है। मतलब ऐसे रहे ना डिटेलिंग में बात करो, मजा आ गया, वेरी नाइस, सही चल रहा है गाना, बहुत सही है। बट हाँ मैं डिटेलिंग की बात कर रहा था, तो ये सब चीजें होती है। मतलब ये हम डिटेलिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको भी, आप हमको देखते हो तो हम आपको बता रहे प्रॉपर कि हाँ ऐसा ऐसा भी होता है करके, तो एलिमेंट्स पे ध्यान देना पड़ता है। मजा आ रहा है, बहुत सही चल रहा है। अब जैसे कि मैं बंगाली गाना बनाऊंगा तो बंगाली में अभी जितने भी मैं बंगाली रिव्यू करता हूँ उसमें कंपोजिशन में देखना कुछ अलग ही रहता, कंपोजिशन में क्या ये रहता, सही बात है। फिर आप अगर भोजपुरी में जाओगे उनका अलग ही, अलग ही। फिर पंजाब में जाओगे तो अगर पंजाब की बात करोगे तो फिर ऐसा नहीं रहता, बहुत सारी और भी चीज रहती जो ऐड होने के बाद प्रॉपर पंजाबी लगता है। एग्जैक्टली सही बात है, सब चीजें है तो ये है बहुत सारे, पर सही मजा आ रहा है। मैं थक गया हूँ बात करते करते, कि मेरा आवाज भी बैठ गया है बट क्या है मेरा इमोशंस निकल जाते हैं। वेरी नाइस, मजा आता है। पीछे कर ले रामचरण भाई की एंट्री से और पीछे, हाँ चलो गाइस अभी सुनते हैं इधर से और बाकी आप समझ लो, बस हमारा काम है बताना। एनर्जेटिक बनाएगा ना तो अपने जो एक मिनट जो अपने म्यूजिक कंपोजर है पायल देव, विशाल दादलानी, पायल देव बहुत अच्छा मतलब आपने निभाया है गाने और रफ्तार भाई, और रफ्तार, हाँ मैं उस रफ्तार भाई पे आ ही रहा था, तो आपने दोनों ने सिंगिंग में बहुत तगड़ा निभाया है, उतना ही प्यारा परफॉर्म अपने रफ्तार भाई ने भी किया है। ऑब्वियस मेरे को रफ्तार भाई का वोकल क्वालिटी ना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, अच्छा लगता है, उतना ही प्यारा अरेंज म्यूजिक प्रोडक्शन आदित्य भाई ने किया है। बट ये जो हम लोगों ने टेक्निकल एलिमेंट्स की चीजें बोली है या अरेंजमेंट किया अपने कंपोजिशन की बात बोली, ये है आप देख लेना बिल्कुल। आप जो मतलब जैसे कि अभी
अरे यार बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो गया वीडियो, उस पे जा सकते डिटेलिंग पे तो बहुत रहता। बट अगर वीडियो की बात करूं तो जिसने भी स्क्रीन प्ले किया है वेरी नाइस, जिसने भी आर्ट डायरेक्शन किया है वेरी नाइस, जिसने भी एडिट और डायरेक्शन किया है वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डीओपी ने बहुत अच्छा काम किया और कॉस्ट्यूम्स ने बहुत अच्छा काम किया, मेकअप से लेके सब लोगों ने बहुत परफेक्ट काम किया, सब डांसर्स ने अपने कोरियोग्राफ बहुत अच्छा किया है, अपने तीन लोग तो मचा रहे थे फुल एनर्जी में, समझ लोग तो मेन है ना, तो मेन है तो वो तो वो एनर्जी में कर ही रहे थे, बट जो बाकी के पीछे वाले लोग थे ना वो भी बहुत एनर्जी में चल रहे थे, वाह मजा आ गया। पहले वीडियो बहुत लंबा हो गया उसके लिए माफी चाहते हैं भाई, अभी बस आपको समझाना रहता तो बता देते, ठीक है ना। बस एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हमसे कुछ चूक गलती हो गई होगी तो माफ कर, हमने कुछ गलत बोल दिया तो उसके माफ कर देना, अगर कुछ छूट गया होगा तो भी माफ कर देना, बाकी आप हम आपके लिए बात करते हैं, आपके मैं चाहता हूँ कि आपको समझे, बस आपको थोड़ा सा समझे, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट। Na 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 na